नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूंगफली के बारे में। मूंगफली में कई स्वास्थ्यकारी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन और फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है, साथ ही इसमें हेल्दी फैट होते हैं। इसमें रेवेस्ट्रॉल और फाइटोस्ट्रॉल जैसे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। वही मूंगफली का उपयोग हृदय रोग, डायबिटीज, अल्जाइमर और कैंसर से बचाव में मदद कर सकता है। आइए मूंगफली के बारे में विस्तार से जानते हैं। डायबिटीज पेशेंट लोग मूंगफली को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका सेवन करने से डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत फायदा मिल सकता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने मूंगफली को डायबिटीज सुपर फूड का भी दर्जा दिया है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, फाइबर और हार्ट हेल्दी ऑयल्स मौजूद होते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। वहीं अगर मधुमेह में मूंगफली खाना नहीं चाहते तो मूंगफली का घर पर पीनट बटर बनाकर भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अल्जाइमर रोग दिमाग से संबंधित एक विकार है। इस बीमारी में व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित हो जाती है। इस बीमारी से बचाव में मूंगफली के फायदे देखे गए हैं, क्योंकि मूंगफली में नियासीन की उच्च मात्रा होती है और यह विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। रिसर्च में इन दोनों तत्वों को अल्जाइमर रोग और उम्र के साथ दिमागी शक्ति में आने वाले गिरावट से बचाव में कारगर पाया गया है। मूंगफली में पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैट्स कुछ विटामिन, खनिज और बायोएक्टिव तत्व कैंसर विरोधी प्रभाव दिखा सकते हैं। विशेष रूप से मूंगफली में मौजूद फाइटोस्ट्रॉल कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि मूंगफली के माध्यम से फाइटोस्ट्रॉल का सेवन प्रोस्टेट ट्यूमर के मामलों में 40% और शरीर के अन्य भागों में फैलने वाले कैंसर की घटनाओं में लगभग 50% कमी ला सकता है। मूंगफली को ऊर्जा का पावर पैक कहते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी मात्रा से ही पर्याप्त ऊर्जा हासिल हो जाती है। इससे लगभग 50% हेल्दी फैट होता है, जो किसी भी पारंपरिक खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक कैलोरी दे सकता है। मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट्स हृदय स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होते हैं। संतुलित मात्रा में मूंगफली का सेवन फाइटोस्ट्रॉल की अच्छी पूर्ति करता है, जिससे हृदय रोगों में कमी आ सकती है। मूंगफली खाने से तंत्रिका विकार से बचाव हो सकता है। मूंगफली में रेवेस्ट्रॉल और नियासीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि नर्व्स हेल्थ यानी तंत्रिका तंत्र स्वास्थ्य के लिए फर्स्ट क्लास खाद्य पदार्थ बनाती है। मूंगफली का सेवन डिप्रेशन की स्थिति में कुछ हद तक सुधार कर सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मूंगफली में रेवेस्ट्रॉल होता है। रिसर्च कहती है कि यह शक्तिशाली तत्व एंटी डिप्रेसेंट यानी अवसाद कम करने वाले दवा की तरह काम कर सकता है। मूंगफली खाने के फायदे में वजन कम होना भी शामिल है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मूंगफली एक प्रकार का नट है, जिसमें हेल्दी फैट पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सीमित मात्रा में इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। मूंगफली के फायदे त्वचा को सुरक्षा और पोषण दोनों दे सकते हैं। दरअसल शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने पर त्वचा का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कई तरह की त्वचा समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में मूंगफली का सेवन कुछ हद तक त्वचा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मूंगफली में कई स्वास्थ्यकारी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से एक है लाइसिन। लाइसिन मुख्य रूप से बालों की जड़ के अंदरूनी हिस्से में मौजूद होता है, जो बालों के आकार और घनापन देने के लिए जिम्मेदार होता है। भोजन में लाइसिन की आपूर्ति से बाल कमजोर और पतले हो सकते हैं। यह अमीनो एसिड जिंक और आयरन के अवशोषण को भी बढ़ा सकता है। लाइसिन की पूर्ति करने में मूंगफली का सेवन मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो बालों को जरूरी पोषण पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भुनी मूंगफली खाने के फायदे बालों को चमकदार और स्वस्थ बना सकते हैं। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार अधिक मूंगफली खाने पर मूंगफली के नुकसान नजर आ सकते हैं, इसलिए ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान के बारे में जरूर जानें। मूंगफली से एलर्जी की समस्या हो सकती है। पहले कभी मूंगफली से एलर्जी हुई है तो इसे खाने से बचे। चाहे तो पहले मूंगफली के एक या दो दाने खाकर देख ले या आपको सूट कर रही है या नहीं। कुछ लोगों को मूंगफली खाने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बिना देर करते हुए डॉक्टर से संपर्क करें। अगर त्वचा सेंसिटिव है तो त्वचा में खुजली और रैशेज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा त्वचा या गले में सूजन की समस्या भी एलर्जी के ही लक्षण है। जरूरत से ज्यादा मूंगफली खाने से गैस, सीने में जलन यानी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में इसके सेवन से अस्थमा या दमा का अटैक हो सकता है, इसलिए जिन्हें अस्थमा की समस्या है वो डॉक्टर की सलाह पर इसका सेवन करें। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसलिए ध्यान रहे कि ठंड में मौसम में इसका सेवन करें। अगर गर्मी में इसे खा रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से पेट खराब हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि मूंगफली से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।